तो बच्चों, आज हम छठी कक्षा का चौथा पाठ करेंगे। पाठ का नाम है आया, आए, आई, आई। देखो, आपको पता चलना चाहिए कि मैं आपको व्याकरण बहुत सारा करा चुकी हूँ बच्चों। तो आया, आए, आई, आई। देखो, आया है एक वचन, आए बहुवचन, आई एक वचन स्त्रीलिंग, आई बहुवचन स्त्रीलिंग है। तो आया एक वचन पुल्लिंग, आए बहुवचन पुल्लिंग है। देखो, और एक बार बताती हूँ बच्चों, आया एक वचन पुल्लिंग है, आए बहुवचन पुल्लिंग है, आई एक वचन स्त्रीलिंग है, आई बहुवचन स्त्रीलिंग है बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों। तो देखो, यहाँ पर है माली बगीचे से आया। देखो, माली बगीचे से आया, वहां फूल लेकर आया। क्या है? माली बगीचे से आया। माली कौन है? पुल्लिंग है। बगीचे से आया, आई नहीं होता वहां पे, आया ही होता है। वहां फूल लेकर आया। देखो, आप चित्र देख रहे हैं कि फूल, फूल में स्कूत कंड बंदा। तो माली क्या करता है? फूल लेकर आता है और वहां की रखवाली करता है बच्चों। तो देखो, यहाँ पर दादाजी बाजार से आए, गरम जलेबी लाए। देखो, दादाजी, दादाजी कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, लेकिन वहां पे आए हैं बहुवचन, क्योंकि वे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, इसीलिए हम उनको आए का प्रयोग करते हैं। दादाजी बाजार से आए, कहाँ से आए? दादाजी, आपके सामने प्रश्न आएगा कि दादाजी कहाँ से आए? बाजार से आए। देखो, आए अलग लिंग में लिखा गया है बच्चों। गर्म जलेबी लाए, क्या लाए? गरम जलेबी लाए। क्या लाए बच्चों के लिए? क्या लाए वे? गरम जलेबी लाए। आए बहुवचन शब्द है, क्योंकि वे रेस्पेक्टेबल वर्ड है बच्चों। तो ऐसे ही अगर हम अभी देखेंगे तो आपका पाठ है ये, अच्छे से आपको सुनना है, ग्रामर है आपके लिए ये, अच्छे से सुनना है बच्चों। देखो, वनिता पाठशाला से आई। देखो, वनिता कौन है? लड़की है। पाठशाला से आई, सर्वसंज्ञा है ये, समझ में आ रहा है ना? आई क्या है? क्रिया शब्द है। देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एकवचन, बहुवचन, काल सब आता है बच्चों इसमें, अगर आप देखेंगे तो। नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। वनिता पाठशाला से आई, कहाँ से आई? पाठशाला से आई। पाठशाला से कौन आई? देखो, इतने प्रश्न आएंगे इसमें। पाठशाला से कौन आई? वनिता आई। वहां वनिता कहाँ से आई? पाठशाला से आई। पाठशाला से कौन आई? वनिता आई। देखो, इतने सारे प्रश्न आपके सामने रखूंगी बच्चों मैं। तो वनिता स्त्रीलिंग है, पाठशाला से आई होता है, आया नहीं होता। तो आपको अच्छे से यह शब्द सुनना है बच्चों। और वहां क्या लाई? देखो, वहां परीक्षा देकर आई है। देखो, वनिता परीक्षा देकर आई है। परीक्षा मीन आपने लिखा है ना फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा, वैसे ही वहां परीक्षा देकर आई है। परीक्षा लेकर पाठशाला से वापस आई है, वनिता है वह। देखो, पहले सेंटर आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में वनिता पाठशाला से आई, वह परीक्षा देकर आई। वनिता परीक्षा देकर आई हो सकता था ना, लेकिन बार बार संज्ञा का प्रयोग करना गलत होता है, इसीलिए यहाँ ये होता है कि संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द का उपयोग हुआ है बच्चों। किसका? सर्वनाम। वहां क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो वहां क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो देखो, दूसरा क्या है? देखो, यहाँ पर है, देखो, चिड़िया आई। देखो, चिड़िया आई, चिड़िया आई। देखो, एक दो तीन चार पांच छह चिड़िया है बच्चों। कितने हैं? छह चिड़िया है। सो इसीलिए चिड़िया, यहाँ पर क्या है? चंद्र बिंदु लगाया है, इसीलिए अगर
इसको ऐसे